और अगर ए स्क्वायर बी स्क् सी स्क्र एच के अंदर है तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि जो वन अपॉन बी स्क्र माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर वो इक्वल हो जाएगा वन अपॉन सी स्क्वेयर माइनस वन अपन बी स्क्यर के क्योंकि अगर ए स्क्वायर बीस सी स्क्र एच पी में वन अपन ए स्क्र कमा ए स्क्र कमा वन अपन सी स्क्यर ये हो जाएंगे ए पी सीरीज के अंदर ठीक है अगर ये एच में तो अगर इसको रिवर्स कर देंगे तो एप सीरीज में आ देंगे हमारे और ए पी सीरीज में तो मैंने कॉमन मैं डिफरेंस लिखा है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के इक्वल ठीक है तो अब एल ले लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्र इंटू सी स्क्वायर के बराबर ठीक है तो ऊपर आइडेंटिटी लगा देता हूँ मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हो जाएगी ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इधर बी प्लस सी इंटू में बी माइनस सी अपॉन में बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर ठीक है अब देखो अगर हमको पता था ए बी सी जो नंबर थे हमारे ए पी के अंदर थे तो यानी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि बी माइनस ए वो एक होगा मेरा सी माइनस बी के ठीक है बी माइनस ए को लगा मेरा सी माइनस बी के क्योंकि ए माइनस बी है तो इसको बी माइनस ऐ लिख दूंगा और बी माइनस सी को सी माइनस बी लिख दूंगा तो यानी ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है ए माइनस बी और बी माइनस सी मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से क्योंकि ये अपना कॉमन डिफरेंस है ऐसे देखो बीस स्वेयोयर और बीस स्क्ोर भी कैंसिल आउट हो जाएगा अपना ठीक है बीस स्वयर से बीस स्क्वेयर अब कर दो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई तो देखो क्या इक्वेशन मिलेगी आपको यहाँ पर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ए इंटू मई सी स्क्वायर प्लस बी इंटू मई सी स्क्वायर इस टू यहाँ पर बचा ए स्क्वायर तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर इंटू सी के बराबर ठीक है अभी यहाँ पर ले जाओ ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर और इधर आके हो जाएगा माइनस का माइनस का ए स्क्वायर बी इक्वल टू जीरो ठीक है तो अब देखो यहाँ से हम क्या करता हूँ मैं इसमें से ए सी कॉमल ले लेता लूँ दोनों में से ए सी को मैं ले लूँगा तो क्या मिलेगा सी माइनस ए मिलेगा प्लस इन दोनों से बी कॉमन ले लूंगा तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो वो हो जाएगा सी प्लस ए इंटू में सी माइनस ए के मिलेगा देखो ये मेरा क्या है ये ए प्लस अच्छा A, plus, इसको ए सी प्लस इसको ऐसी लिखता हूँ बी इंटू में ए प्लस सी लिख देता हूँ इसको मैं अब देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा था स्टार्टिंग में ए प्लस सी इक्वल है टू बी के इक्वल है तो ए प्लस सी मैंने टू बी के इक्वल है तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी प्लस बी इंटू में टू बी टू जीरो तो यहाँ से आ जाएगा टू बी टू माइनस में सी ए